आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 जो कि आधारित है गुणनखंड प्रमेय पर। गुणनखंड प्रमेय क्या है? माना p ऑफ x एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला बहुपद है और माना a कोई वास्तविक संख्या हो तो नंबर वन x माइनस a p ऑफ x का एक गुणनखंड होता है यदि p ऑफ a बराबर है 0 हो और p ऑफ a बराबर है 0 होता है यदि x माइनस a p ऑफ x का एक गुणनखंड हो। यदि आपके पास जो p ऑफ x है वो बहुपद है एक के बराबर घात वाला या एक से अधिक घात वाला और a कोई रियल नंबर है वास्तविक संख्या है तो x माइनस a p ऑफ x का गुणनखंड कब होता है यदि p ऑफ a बराबर है 0 के और p ऑफ a बराबर है 0 होता है यदि x माइनस a जो है इस बहुपद का क्या हो गुणनखंड हो। तो इसी के आधार पर अगले जो प्रश्नावली है प्रश्नावली 2.4 इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 2.4 है इसका पहला प्रश्न निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का गुणनखंड x जमा 1 है। बहुपद दिया है आपको बताना है कि x जमा 1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो हल करते हैं इसको। माना p of x बराबर है x की घात 3 जमा x स्क्वायर जमा 1 x जमा 1। अब x जमा 1 को बताना है कि इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो x जमा 1 को क्या लेंगे 0 के बराबर। x जमा 1 बराबर है 0 रखने पर तो यहां से आएगी x की वैल्यू माइनस 1। इस माइनस 1 को इस दिए हुए बहुपद में भरेंगे x की जगह तो p ऑफ माइनस 1 बराबर है x की घात 3 माइनस 1 की घात 3 जमा x की घात 2 माइनस 1 की घात 2 जमा माइनस 1 जमा 1। माइनस की घात विषम संख्या है क्या आएगा माइनस 1 की घात 3 1 जमा माइनस की घात सम संख्या है क्या आएगा जमा और 1 की घात 2 1 जमा माइनस माइनस 1 जमा 1। अब 1 जो माइनस 1 है और यहां जमा 1 है ये कट जाएगा यहां भी माइनस 1 है जमा 1 है कट जाएगा क्या आया 0। तो p ऑफ माइनस 1 कितना आया 0। तो जो x जमा 1 है वो दिए हुए बहुपद का क्या है गुणनखंड है। हम लिखेंगे अतः x जमा 1 p ऑफ x का गुणनखंड है। क्या किया x जमा 1 को बताना है कि गुणनखंड है या नहीं है तो यहां से x की वैल्यू निकाले माइनस 1 आई उसको दिए हुए बहुपद में भरा। अगर दिए हुए बहुपद में वो वैल्यू भर के 0 आता है तो गुणनखंड है अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो इसका सॉल्व करते हैं दूसरा भाग। दूसरा भाग है बहुपद दिया है x की घात 4 जमा x की घात 3 जमा x स्क्वायर जमा x जमा 1। अब हमें बताना है कि x जमा 1 इस दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो इसको मान लेते हैं माना जो दिया हुआ बहुपद है वो p ऑफ x है x की घात 4 जमा x की घात 3 जमा x स्क्वायर जमा x जमा 1। x जमा 1 बराबर है 0 रखने पर
तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। अब जो x की वैल्यू -1 आई उसको दिए हुए बहुपद में पुट करना है, तो -1^4 जमा -1^3 जमा -1^2 जमा -1 जमा 1। माइनस की घात सम संख्या है, जमा आएगा, और 1^4 जमा माइनस की घात विषम संख्या है, माइनस आएगा, 1^3 1 जमा माइनस की घात सम संख्या है, जमा आएगा, और 1^2 1 जमा माइनस -1 जमा 1। तो 1 जमा माइनस -1 जमा 1 -1 जमा 1। अब प्लस माइनस वाले जो अपोजिट साइन वाले वैल्यू उनको काट देते हैं, जमा माइनस ये कट जाएगा, जमा माइनस ये भी कट जाएगा, और कितना आया 1। अब पी ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आई, 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है तो x जमा 1 दिए हुए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, अतः x जमा 1 p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन के जो दो और पार्ट हैं वो भी सॉल्व होंगे। प्रश्न नंबर 2 है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। बहुपद दिया है, रैखिक बहुपद दिया है, एक्स जमा 1। आपको बताना है कि जो एक्स जमा 1 है वो इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है ये, तो हल करते हैं। दिया है P of x बराबर है 2x^3 जमा x^2 - 2x - 1। अब x जमा 1 से भाग देना है, बताना है कि x जमा 1 जो है वो गुणनखंड है या नहीं है। तो x जमा 1 को क्या लेते हैं, 0 के बराबर। x जमा 1 बराबर है 0 रखने पर, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, -1। ये वैल्यू इस दिए हुए बहुपद में भरनी है, तो 2 -1^3 जमा -1^2 -2 -1 और -1। सॉल्व करते हैं, 2 -1 विषम संख्या -1^3 1 जमा -1 सम संख्या जमा आएगा, और 1^2 1 माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे जमा 2^2 -1। तो 2 को -1 से गुणा किया -2 जमा 1 जमा 2 -1। अब 2 माइनस के हैं, यहाँ जमा के हैं, कट जाएगा, जमा का 1 है माइनस का 1 है ये भी कट जाएगा, और कितना आया 0। तो P ऑफ -1 कितना आया 0। ये 0 है तो x+1 जो है दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड प्रमेय द्वारा। तो अतः g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है, g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है। दूसरा भाग है, p of x बराबर है x^3 जमा 3x^2 जमा 3x + 1, और g of x दिया है x + 2। हमें बताना है जो g of x x + 2 है इस दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो करते हैं इसको सॉल्व। हल दिया है, p of x बराबर है x^3 जमा 3x² जमा 3x + 1।
अब जी ऑफ एक्स है एक्स जमा दो, इसको लेंगे जीरो के बराबर। एक्स जमा दो बराबर है जीरो रखने पर, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आए, माइनस दो। ये जो एक्स की वैल्यू माइनस दो है, इस दिए हुए बहुपद में भरनी है, तो पी ऑफ माइनस दो बराबर है माइनस दो की घात तीन जमा तीन, माइनस दो की घात दो जमा तीन, माइनस दो जमा एक। करते हैं सॉल्व। माइनस की घात विषम संख्या है, क्या आएगा माइनस, दो की घात तीन, दो दूनी चार दूनी आठ जमा तीन, माइनस की घात दो सम संख्या है जमा आएगा, दो दूनी चार जमा माइनस, माइनस तीन दूनी छः जमा एक, तो बराबर है माइनस आठ जमा तीन चौके बारह, माइनस छः जमा एक। सॉल्व करते हैं इसको, बारह में से आठ गए चार, माइनस छः जमा एक, चार माइनस छः कितना हुआ, छः में से चार गए दो, बड़ी संख्या के साथ माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस लगेगा जमा एक, माइनस दो जमा एक कितना आएगा माइनस एक, तो पी ऑफ माइनस दो बराबर है कितना आया माइनस एक। अब जो पी ऑफ माइनस दो है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो क्या है, अतः जो जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।